वेलकम माई यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक। तो डियर फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो जमा दी की ये जो इलेक्ट्रिक शीट है, इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। इसके कनेक्शन इस तरह से हम करेंगे कि एक स्विच पे एक साकेट और दूसरे स्विच पे दूसरी साकेट को कंट्रोल करेंगे। नैसी सादा और आसान सा इसके कनेक्शन है। सबसे पहले ये देख लें कि ये दो स्विच है और ये दो साकेट है। अब इस स्विच पे ये साकेट और दूसरे स्विच पे ये साकेट जो है हम कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले जो है हमने ये जो स्विच है, जिसे हम बटन भी बोलते हैं, इसमें हम जो है फेज डालेंगे। इस तरीके से ऊपर वाले टर्मिनल में हमने ये फेज डाल देना है। फेज से मुराद है जिसमें जिस वायर में करंट आ रहा होता है, मेन फेज। ये करंट वाली जो कनेक्शन है, ये ऊपर वाले बटन में हमने इसके कनेक्शन कर दिए। बटनों में फेज आ गया। और यहाँ से अब हम कनेक्शन करेंगे एक स्विच को दूसरी साकेट तक। ये एक स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमने इस वायर को दे कनेक्शन देना। और यहाँ से हमने लेके इस साकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने कनेक्शन दे देना, इस तरीके से। इस तरीके से एक बटन से एक साकेट को ये कनेक्शन दिया जा चुका है, ये कनेक्शन यहाँ से। अब हमने दूसरे बटन पे दूसरी साकेट को कनेक्शन देना है। इसी तरह नीचे वाले टर्मिनल स्विच के और यहाँ से ऊपर वाली साकेट के टर्मिनल में आपने तार को इंस्टॉल कर देना है। और इसके सिकरू से को जो है अच्छी तरह से टाइट आपने करना है। इतना टाइट भी नहीं करना कि आप जो है इसका सिकरू जो है वो स्लिप कर बैठे। इस तरह से तरीके से टाइट करना है कि आप अगर उसमें फेज इंस्टॉल करते हैं तो स्पार्क वगैरह ना करें। अब हमने ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने फेज़ का कनेक्शन दिया, ये वाला। यहाँ से हमने हाफ फेज लेके साकेट वाले ऊपर वाले टर्मिनल और दूसरे भी इसी तरीके से हमने। अब हमारा रह गया न्यूट्रल। ये दो साकटें हैं और साकटों में हमने ये न्यूट्रल की वायर जो है इस तरीके से इंस्टॉल कर देनी है। अब ये हमारा जो है न्यूट्रल का कनेक्शन इस तरीके से एक बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन जो है मुकम्मल हो गया। अब हमने मेन सप्लाई जो देनी है, यहाँ पे हमने फेज़ दे देना है बटनों वाले कनेक्शन में, और यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे देना साकेट वाले कनेक्शनों में। इस तरीके से हमारा जो है जो बोर्ड है तैयार हो चुका है। आप आसानी से घर में जो है आपका 2x2 का बोर्ड अगर ख़राब होता है तो आप उसको आसानी से कनेक्शन करके दोबारा रीइंस्टॉल कर सकते हैं, दोबारा कनेक्शन करके अपने बोर्ड को लगा सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।